अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप साहब? अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह ठीक रखे। टोयोटा करोला गाड़ी है, 2013 मॉडल है, ठीक है। ये गाड़ी में फॉल्ट ये है, गाड़ी जब हम ड्राइव करते हैं रोड पे चलाते हुए, गियर शिफ्टिंग करते हुए, ये प्रॉब्लम करती है, झटके मारती है और गाड़ी जो है शिफ्टिंग बराबर नहीं कर रही। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखें, और जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसका एक कोड आ रहा है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में, तो इसको मैं रीड करता हूँ, रीड फॉल्ट कोड, यहाँ पे ओके करूँगा, ठीक है। चेक करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका कोड आ रहा है P0717। इनपुट टर्बाइन स्पीड सेंसर 8 सर्किट 2 सिग्नल, मतलब कि सर्किट का कोड तब भी आता है जब इसकी वायरिंग का इश्यू होता है, जब इसका कोई कनेक्टर वगैरह ना लगा हो सेंसर को, तो सर्किट का कोड आएगा, ठीक है। तो ये गियर की स्पीड वाला सेंसर है, ठीक है। तो ये आई थिंक गियर के बाहर सेंसर लगा होता है, ऑलमोस्ट जितनी भी टोयोटा की गाड़ी हैं उनका गियर के बाहर सेंसर आता है, इनपुट टर्बाइन स्पीड सेंसर। तो चेक इंजन की लाइट भी इसकी ऑन हो जाती है जब गाड़ी को हम ड्राइव करते हैं। एक दफ़ा रीसेट करूँगा, फिर दोबारा लाइट इसकी तब आएगी जब रोड पे हम इसको ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो ये सेंसर को मैं अब चेक करता हूँ ऑटो कोड में और इसको रीड करके आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड, ये पॉसिबल केसेस बता रहा है, बोलता है कि आपका ट्रांसमिशन सेंसर भी ख़राब हो सकता है, उसके बाद ट्रांसमिशन स्पीड सेंसर हार्नेस इज ओपन टू शॉर्ट, वो बोलता है आपका ग्रिप भी ओपन हो सकता है, तीसरे पे बोल रहा है ट्रांसमिशन स्पीड सेंसर सर्किट पुअर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, यानी कि वो बोल रहा है कि आपकी वायरिंग के कनेक्शन भी लूज हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रीड कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको भी आसानी हो जाए। अब ये सेकंड पे बता रहा है कि ये स्पीड सेंसर है और ये सीधा जा रही है इसकी दोनों वायर ECM में, एक जा रही है 124 नंबर पे NT- NT+ जा रही है 125 नंबर पे, यानी कि ये भी श्योर हो गया कि इसकी दोनों वायर कंप्यूटर में जा रही हैं, एक 124 पे और एक 125 नंबर पे, दो कंप्लीट हो गई। अब इसको आगे करते हैं, ये इसका कनेक्टर है तीन, ये आप देख सकते हैं NT-124 NT+125, ये ECM का बड़ा कनेक्टर है। तो ये इसकी लोकेशन है, दोनों वायर यहाँ पे जाएंगी 124 125 पे। और सेकंड पे बता रहा है कि सेंसर की कंडीशन होनी चाहिए 20 सेल्सियस 68 फारेनहाइट, ठीक है। तो वो बोलता है कि आप मल्टीमीटर से ओम पे रख के 560 से 680 तक होना चाहिए, यानी कि ग्रिप में दोनों वायर लगा के, तो ये इसकी रीडिंग होनी चाहिए। और अब ये चौथे नंबर पे बता रहा है कि ये NG आप देख रहे हैं कि वो बोल रहा है कि इस तरह भी आपका सेंसर होगा तो फिर भी इस तरह का कोड आएगा, और जो इसके साथ है ओके वाली पोजीशन, ये बिल्कुल ओके है, इस तरह बैठा होना चाहिए सेंसर, ठीक है। तो इसका भी बता रहा है कि इसको भी ये इसकी कंडीशन होनी चाहिए। अब ये पांचवें नंबर पे बता रहा है कि ये एक नंबर और दो नंबर इसकी दो वायर हैं, ठीक है। ये फिर वो ही बता रहा है कि सर्टिफिकेट कंडीशन 560 टू 680 ओम पे होनी चाहिए, कंडीशन 20 सेल्सियस 68 फारेनहाइट, टेस्टर कनेक्शन 1-2, यानी कि मल्टीमीटर को सेट करके 1-2 पे पिने लगा के आप इस तरह इसको चेक कर सकते हैं। अब ये छः नंबर पे दिखा रहा है कि टेस्टर कनेक्शन 125 NT+ 124 NT-, यानी कि वो बोल रहा है कि दोनों वायरों में बॉडी ग्राउंड रहेगा, कंडीशन ऑलवेज, यानी हमेशा। अब इसको मैं जाके चेक करता हूँ, और ये वायरिंग का डायग्राम आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। तो अब मैं बाहर चल के इसको चेक करता हूँ। जी फ्रेंड, मैं गाड़ी के बाहर आया हूँ, ये इसका ग्रिप है दो वायर वाला, ये सेंसर की लोकेशन है, यहाँ पे ये सेंसर लगता है। तो ये दोनों वायर पे मैंने चेक कर लिया है, दोनों में ग्राउंड आ रहा है, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा मैं सेंसर को ओपन करूँगा, ओपन करके सेंसर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ।
ये इसका सेंसर है, सेंसर ओपन कर लिया मैंने, ये दो वायर वाला होता है, ठीक है। तो गाड़ी का स्विच ऑन करें या बंद करें, आपको इस टेस्ट आप मल्टीमीटर से इसकी वायरों को चेक करें कि तो दोनों में ग्राउंड आएगा। जब गाड़ी गियर में डालेंगे, गाड़ी ड्राइव करेंगे, जब इसका दूसरा गियर डलेगा तो इसका एक वायर में ग्राउंड रहेगा और एक आउटपुट सिग्नल ECM को देगा कि गाड़ी इतनी सेंस कर रही है, ठीक है। वैसे आपको इसमें दोनों में अर्थ मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ठीक हो गई है, ठीक है। इसकी ये जो येलो वाली वायर है जो ECM में जा रही है, दोनों वायर ECM में जाती हैं, लेकिन ये येलो वायर जो है ये डिस्कनेक्ट थी एक जगह से, ठीक है, ख़राब होने की वजह से लूज़ कनेक्शन था। अब इसको मैंने ठीक कर दिया। अब इसको मैं सेंसर को फिट करके चेक करता हूँ इसका कोड आता है कि नहीं। जी फ्रेंड, गाड़ी का फॉल्ट क्लियर करती है, इसको एक दफ़ा रीसेट कर दिया, सिस्टम ओके है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। गाड़ी मैंने रोड पे ड्राइव भी कर ली है तो इसका कोड नहीं आ रहा अब, ठीक है। तो इसकी जो येलो वाली वायर थी उसमें फॉल्ट था, वो डैमेज थी, जिसकी वजह से ये कोड आ रहा था। तो वायर को मैंने बना दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई है, सिस्टम ओके बता रहा है इसका। तो इंजन में फिर एक दफ़ा चेक कर लेते हैं हम, एंटर करेंगे। यहाँ से रीड फॉल्ट कोड, सिस्टम ओके, यानी कि गाड़ी मैंने ड्राइव की है, ड्राइव करने के बाद इसका कोड नहीं आया, तो इसका मतलब इसको आउटपुट सिग्नल है जो ECM को मिल रहा है वो बिल्कुल ठीक मिल रहा है। तो गाड़ी स्टार्ट है, अब इसकी चेक इंजन की लाइट भी आप देख सकते हैं नहीं आ रही, ठीक है। तो सिस्टम भी इसका ओके है। तो लाइव डाटा पे भी मैंने इसकी रेटिंग चेक कर ली है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। जब आप इसको ड्राइव करेंगे तो ये लाइव डाटा में जो इसकी आउटपुट स्पीड सेंसर की है रेटिंग शो करेगा। तो गाड़ी बिल्कुल ठीक है। गाड़ी को मैं एक दफ़ा बंद करता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर वीडियो बना के शेयर करूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।